काली चौदस या फिर रूप चौदस या फिर नरक चतुर्दशी, ये तीनों एक ही दिन पर मनाए जाते हैं। वो दिन है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, और ये दिन आता है दिवाली से एक दिन पहले, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। अब हर नाम के पीछे एक जो है रीजन जुड़ा होता है, लोग पूछते हैं लॉजिक क्या है, तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में नरक चतुर्दशी या फिर कह लीजिए रूप चौदस या काली चौदस की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले इस दिन का नाम काली चौदस क्यों पड़ा? काली चौदस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है, और ये जो दिन होता है ये चतुर्दशी का दिन होता है, इसीलिए इस दिन जो है इसका नाम पड़ा काली चौदस। काली चौदस से ही नाम निकल के आया है, नरक चतुर्दशी ही। चौदस को हम चतुर्दशी भी कहते हैं, चतुर्दशी तिथि है, और माँ काली ने नरकासुर का वध किया था इसी दिन पर, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब इस दिन ही रूप चौदस भी मनाया जाता है, यानी कि आप अपने रूप को निखारने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि आप इस दिन कुछ उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो इससे आपको सौंदर्य मिलता है, इससे आपका आकर्षण बढ़ता है। रूप चौदस वो दिन है, काली चौदस वो दिन है, या नरक चतुर्दशी कह सकते हैं वो दिन है, जब तांत्रिक लोग माँ काली की पूजा करते हैं। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में माँ काली विशेष स्थान रखती हैं। काली माता जो है ये काला रंग है उनका, और काला रंग जो होता है वो बुराई का नाशक माना गया है। ये दिन ही है कि बुराई को नष्ट करने वाला, उन्होंने नरकासुर का भी वध किया था बुराई को मिटाने के लिए, तो दिन बहुत ही शुभ मानते हैं। इसके साथ साथ इस दिन को जो है हम नरक चतुर्दशी के दिन बहुत सारे भारत के अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे इलाकों में भूत पूजा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जिनके ऊपर काला जादू या फिर तंत्र मंत्र हो जाता है, तो इस दिन पर विशेष तौर पर बहुत सारे जगहों पर मंदिरों में पूजा की जाती है ताकि वो उन चीजों से छुटकारा पा सके। डेट और मुहूर्त क्या होगी वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। माता काली ने नरकासुर का वध करके लोगों को उसकी परेशानियों से, उसकी जो है शैतानियों से बचाया था, इसीलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस दिन पर खास तौर पे उपासना की जाती है, माँ काली की विधिवत तौर पर पूजा की जाती है। तांत्रिक लोगों के लिए भी इस दिन का खास महत्व है, रूप चौदस का या फिर आप बोल लीजिए काली चौदस का या नरक चतुर्दशी का। इस दिन यम का दिया भी निकालते हैं। इस दिन एक छोटा दिया अपने घर के बाहर, उसमें 7 तरीके के अनाज लेके उसमें डालते हैं, और उसको हम बाहर घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हे माता काली और हे यमराज देवता, हमारे घर पे आने वाले विघ्न जितने भी हैं, हमारे घर पे आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उसको हर लीजिए, हम जो है आपसे प्रार्थना करते हैं। हम एक दिया रखते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर रात्रि के समय, और रात्रि के समय काली चौदस की पूजा जो है विशेष तौर पर की जाती है। हर क्षेत्रीय स्थान पर पूजा विधि अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस साल ये जो है त्यौहार कब मनाएंगे और इसके कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भी जानकारियां हम आपको देंगे धर्मा लाइफ पर, दिवाली से जुड़ी हुई या फिर जो भी फेस्टिवल 5 दिनों का त्यौहार है, छठ पूजा भी आने को है, सारी जानकारी आपको मिलेंगी धर्मा लाइफ पर, तो देखते रहिए धर्मा लाइफ।